मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। प्यार अंधा होता है और प्यार में पढ़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। कहावत है, When life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। And yes, wait for me। ना केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले महान अभिनेता इरफान खान, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने अभिनय से हर वर्ग के दिलों को जीता, हर वर्ग के दिलों पर राज किया। राजस्थान राज्य जयपुर के जन्मे मशहूर अभिनेता इरफान खान, जिनका निधन आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 को सुबह करीब 11 बजे कुकिलाबेन अस्पताल मुंबई में हो गया। जी हाँ दोस्तों, मशहूर अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इरफान खान पिछले कई दिनों से अपनी पेट के आंतों के संक्रमण के चलते कैंसर रोग से जूझ रहे थे और इसी के चलते 54 वर्ष की आयु में आज दिनांक उनका डेथ हो गई। मशहूर अभिनेता इरफान खान लंबे समय से बीमार थे। फिल्म मेकर सुजीत सरकार ने ट्वीट करके उनके परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि बीते दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसीलिए उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। इरफान खान के निधन से बॉलीवुड में एक शोक की लहर हो गई है। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार इरफान खान को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक शोक की लहर दौड़ गई है और लगभग संपूर्ण भारत में इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इरफान खान जैसे महान अभिनेता को देश हमेशा याद करेगा, उनके जैसी एक्टिंग शायद ही कोई कर पाए। तो आइए दोस्तों, उस महान प्रतिभा, उस महान इंसान, उस महान अभिनेता को हम भी आदर सहित नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उस महान आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके घर परिवार वालों को ये सदमा सहने की क्षमता दे। नमस्कार।